मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है हरतालिका। मुझे लगा कल ही हरतालिका है बट आज है। सो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने आज बाल धोए हैं। मैंने सोचा चलो अच्छे से बाल धोते हैं और चलिए अभी बाकी का जो सारा काम है हम कर लेते हैं। मैंने आज ये ड्यू कुर्ता पहना है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ ये चूड़ा भी पहना है मैंने, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था। हाय, ये बाल ड्राई भी हो रहे हैं, मेरे पास टाइम भी नहीं है। सो अभी शिकर चाहिए स्कूल भी आज जाके मुझे उनके पेपर चेक कर रहे हैं। और फिर अगर मुझे लगता है कुछ मिठाई वगैरह लाना तो वो भी लानी है। और अभी मेरे लिए मुझे चीला बनाना है। चीला ही बोलते हैं ना वो आलू का चीला, मतलब आलू को कद्दूकस करके हम तो उसको बटाटे से किस बोलते हैं। ओके सो चलिए, मुझे पता नहीं यार मैं इन बैंगल के साथ काम कर पाऊंगी या नहीं। और पता नहीं यार ये कैसे टूट गया। ओह नो, यहाँ पे था खराब हो गया ये शायद। फिर बस ऐसे करने गई और टूट गया। ये हमने बनवा के लिया था तो मुझे लगता है ये वाला पार्ट जो है वो नहीं लाना पड़ेगा। ये तो सही यार, ऐसे कैसे टूट गया भाई। वैसे कोई बात नहीं, मैं जब भी कुछ करती हूँ ना कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मैं सोचती हूँ कि सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए तो उसी दिन उसी टाइम परफेक्ट नहीं होती ये चीज़ें। मुझे अभी ये इन लोगों के लिए खाना भी बनाना है अलग सा, क्योंकि आज मेरा व्रत है तो मैंने व्रत का खाना ही खाना है। और इन लोगों को नॉर्मल, क्योंकि ये लोग नहीं रखेंगे ना व्रत, इसलिए। अभी हम इसको पोटैटो को जो है वो कद्दूकस कर लेंगे और उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। पहले ही नहीं क्लीन करते हैं और इसमें से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी निकल आता है। तो अभी हमने पोटैटो जो है वो क्लीन करने हैं और कुछ इस तरह से निकालना है उसका पानी। बचपन में मम्मी हरतालिका के दिन ही ये पोटैटो को चीला करती थी ना। मैं भी बोलती थी मम्मी मुझे चाहिए मुझे चाहिए। मम्मी बहुत थोड़े से क्वांटिटी में बनाती थी और मैं उसका खा लेती हूँ। सिंपल एंड सोबर है ना। मैं दिखाना भूल ही गई थी आपको। और इसके साथ इयर रिंग्स भी आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है तो सबसे पहले अभी मैं जीरा डाल दूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कद्दूकस किए हुए आलू। फिर नेक्स्ट ये नमक। और मैं आपको बता दूँ वैसे तो मैं घी डालती हूँ बट पता नहीं ये घी में ऐसे फंगस सा क्यों बन गया है, मुझे भी नहीं पता। आज पता नहीं कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही है। होप सो पूरा दिन जो है मेरा अच्छा तरीके से चला जाए। बुरा लगता है, मतलब परसों तक मैंने घी खाया था, कल आपने पिज्ज़ा खाया था और क्या खाया था रात को, दाल, हाँ चाव, हाँ ये खाया था, खिचड़ी खाई थी कल रात को। तो उस टाइम पे हमने घी नहीं लिया था और पता नहीं यार कैसे ख़राब हो गया। फिर नेक्स्ट मैं डालूँगी ये पीनट का क्रश। इसको रोस्ट करके मिक्सर पे ग्राइंड कर लिया था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा पोटैटो का चीला बन के रेडी है, बहुत ही गर्म गर्म है। सो अभी सौम्य गणेश स्कूल से आई है तो आज उनके मेरे पेपर भी देखे तो उनके जो पेपर थे बहुत ही अच्छे उन्होंने लिखे थे, है ना। थोड़ा बहुत गलतियां हो गई थी, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, डी और बी में स्मॉल लेटर में सौम्य गणेश हमेशा गलती करते थे। अच्छा अच्छा स्मॉलेस्ट। गणेश को थोड़ा सा स्मॉल नंबर और बिग नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना। कलर मुझे कहते
तो स्वामी श्री अपनी बातें बताने में बड़ी है, तो अभी मैं इनको जो है ड्रेस पहना देती हूँ, इनको रेडी कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं पहनती हूँ साड़ी। स्वामी श्री को बड़ी उसकी चोटी है, इसे नीचे करनी है। मुझे गाना चीरते हैं। हाँ। तो अभी बाकी के घर के काम में थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, तो स्वामी श्री गणेश जी को मैंने रेडी किया है, बट उनका ये है कि उनको नींद बहुत ज़्यादा आ गई है, तो मैंने सोचा कि रेडी वेडी तो कर लिया है, कोई बात नहीं, बच्चे जब ठीक तरीके से सो के आ जाएंगे ना, तब मैं उनके साथ जो है पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे मेरा और नितेश का ये होता है कि हम बच्चों को जो है सब कुछ दिखा देते हैं कि हमारा कल्चर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तभी वो आगे जाके बड़े हो के वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अभी वैसे तो अभी 1:15 बज चुका है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी तरीके से रेडी होके जब वो फ्रेश हो जाएंगे ना, तब मैं वीडियो जो है वो बना देती हूँ पूजा का, क्योंकि मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था ना कि ये वाली साड़ी जो है वो मैं पहनूँगी दोनों का। तो मुझे बहुत सारी लेडीज़ ने पूछा कि शीतली तुमने कहाँ से ली है, तो मेरे मैके से ली थी मेरे, और दिवाली के टाइम ली थी, और मैंने अभी तक नहीं पहनी है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत हेवी है साड़ी, अगर आप देखें अभी तक मैंने इसका टैग नहीं निकाला है। इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, 3000, ये देखिए 3595 है। तो अगर आप मेरे गांव से हो ना, तो वहाँ से भंडारी क्लोथिंग शॉप जो है ना, उनका बहुत फेमस शॉप है। अगर मैं इस टाइम दिवाली में गई ना, तो मैं आपको वो शॉप दिखाऊंगी, और आपको सॉरी यार बर्तन का आवाज़ आ रहा है, क्योंकि वहाँ से बर्तन जो है वो धो रहे हैं। तो आंटी जी जो है मुझे बुला रहे थे, तो अभी ब्लाउज मुझे पता नहीं मैंने कहाँ पर रख दिया। ओह थैंक गॉड मिल गया, मेरे को डर लग रहा था कि ब्लाउज मिलेंगे नहीं, क्योंकि इतने सारे ब्लाउज है ना, उसमें से ढूंढना मतलब बड़ी मुश्किल से हो जाती है। तो मैं ये वाली साड़ी जो है वो पहन रही हूँ, आई थिंक मैंने ये 3-4 साल पहले पहनी थी, हाँ उसके बाद मैंने पहनी नहीं ये साड़ी। तो ये मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट की थी एक हाथ, जब मतलब गणेश चतुर्थी के टाइम है, इसे मैंने कभी कभार पहनी थी। मेरे ऊपर मेरे उसका व्लॉग भी इस साड़ी के ऊपर, मेकअप पर। तो चलिए अभी ये साड़ी पहनती हूँ मैं। इससे पहले मैं ना बच्चों के लिए और इनके लिए ना चीला बना के रख देती हूँ, बेसन का चीला। और क्या चाहिए पर? अपना मंगल सूत्र पहन रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो चुकी हूँ, बस मेरी ज्वेलरी जो है नहीं वाले बैंगल्स बड़े ही प्यारे है, इसके सेट सारा खराब हो गया। अभी मुझे इसका सेट बनाना पड़ेगा। गजरा पहनना है गनू, तेनों को घेते देवाच से दूसरा के घेते बर थाम तर बढ़ियान कात्रियान कात्रियान गजरा लावे घे घे कात्रियान ना गनू। देखिए बनाना खा रहा है, स्वामी आओ हमारे पीछे पीछे, वो भी नहीं आते गनू को गनू
मैंने बहुत छोटे सा लिया है क्योंकि ये 5 मिनट भी नहीं लगती है। बोलो निकालना होगा काल। चलो अभी सौ मिक्सर के बाद स्वामिश्री क्या बोल रही पता है क्या, यहाँ पे नहीं लगवाना है उसका गजरा, यहाँ पे लगवाना है पीछे पे, और इतना छोटा नहीं चाहिए स्वामिश्री को, बड़ा बड़ा चाहिए। गलत से कैसे कुछ भी नहीं होता बेचारा, मेरा प्यारा गवे है ये, बड़ी बुढ़िया अम्मा है ये। अगर उसको बोलते ना बुढ़िया अम्मा बड़ी गुस्सा आ जाती है। चलो तो गनु का ये देखिए, गनु ने अभी दूध पिया तो उसकी लिपस्टिक लग गई है। और स्वामिश्री क्या कर रही है, स्वामिश्री का मेकअप दिखा। ओहो वो सब कुछ आई लाइनर जो है ना ऊपर ही लग जाता है इनका। मैं इनको कितनी बार बोलती हूँ रुक जाओ आँख बंद करो, नहीं करती है। तो चलिए स्वामी आप आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा हेल्प करो। तो यहाँ पे भगवान शंकर जी हमें रखेंगे, हैं? नहीं नहीं तुटले ना तस स्वस्त तुटेल कशाला, आता फुल डिजाइन कर। ऑरेंज ओ सॉरी सॉरी ऑरेंज, यहाँ पे देखो यहाँ पे वाइट, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे वाइट। तो अभी गनु फ्लावर्स रखेगी। वाओ कितना अच्छी तरीके से रख रहा है गनु, आप सभी लोग देखो हमारा गनु कितना काम कर रहा है। एंड स्मॉल, अच्छा मतलब तुला लक्षात आलं का गनु, बिग मीन्स मोठं, मतलब ते नंबर पण तू करती ना, बिग म्हणजे जास्त कोणतं असेल ना ते बिग। तो दोनों के झगड़े चल रहे हैं अभी, मैं करूँगी हाँ। तो मैंने बोला कि तुम दोनों ही अभी आज से नहीं ये पूजा करो, अभी कल तो गणपति बप्पा आने वाले। तो अभी हमने सारे फ्रूट्स रखे हैं, अच्छा रहने दो। हाँ तो अभी ये सारी चीजें रखेंगे, ये हरकुंड है, सॉरी पहले हड़द घी उजवा, हे बोट आता श्री हरतालिका व्रत कथा जो है वो पढ़ेंगे, और मैं अभी मराठी में पढ़ूंगी। श्री गणेशाय नम, हिंदू संस्कृतीत वाढणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीच्या दृष्टिकोनातून तिच्या कपाळावरचे कुंकू आणि गळ्यातले मंगळसूत्र हाच खरा तिचा लाख मोलाचा दागिना आहे। जय देवी हरतालिके सखी पार्वती अंबिके आरती ओवाळते दांडी पकडिके, जय देवी जय दे हर हर दांडी वससी जासी यज्ञ महेरसी देखे अपमान पावसी यज्ञ कुंभी गुप्त होती रिजासी हिमादी सपोटी कन्या होती तो गोमती तुझे तपचर्या मोठी आदर्शी उठावती तप पंच। ड्रॉइंग कलर बुक्स तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये अभी मेरा नया मंगलसूत्र है, आपको कैसा लगा? थोड़ा सा अभी ये हो गया है, इसके साथ इयररिंग्स भी है, बहुत ही प्यारा सा है ना ये मंगलसूत्र।
सो गाइज, मैंने कुछ नाइट सूट्स लिए हैं सोमेश्वर गणेश्वर के लिए और नितेश के लिए, तो मैं वन बाय वन जो है आपको दिखाने वाली हूँ। और ये सभी जो नाइट सूट्स है मैंने अमेजोन से लिए है। माय हॉल स्टोर की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप ये सारे नाइट सूट जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहला है ये नितेश के लिए, तो ये येल्लो कलर का एंड ये नेवी ब्लू कलर का नाइट सूट्स मैंने लिया है। फुल है ये और थोड़ा सा अलग है, जैसे कि डार्क कलर है, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कैसा लगे और मुझे बहुत पसंद आ गया था। देखते ही मैं बहुत ज़्यादा फिदा हो गई थी इस नाइट सूट पे। और इसका मेन चीज़ है ना, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप भी अपने हस्बैंड के लिए या फिर भाई के लिए या फिर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेना चाहते हो तो आप इस नाइट सूट को जो है ले सकते हो। मेन चीज़ें इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मेन चीज़ें आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है, जैसे कि अभी एम है, एल है, 2XL है, 3XL है, तो आपको जो चाहे वो साइज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी। और साथ ही साथ इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कलर भी है, आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट ये मैंने सोमेश्वरी के लिए लिया है यूनिकॉर्न का नाइट सूट। और सोमेश्वरी को यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है, सोमेश्वरी यहीं पे है, तो ये ब्लू कलर का मैंने लिया है क्योंकि बच्चे थोड़ा ख़राब भी करते हैं ना, तो मैंने सोचा कि एक हद बार डार्क भी होना चाहिए। मोस्टली सोमेश्वरी गणेश ड्रेसेस जो होते हैं डार्क होते, कभी कभार मैं पेंट ले लेती हूँ। और उसकी जो पैंट है वो भी जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा यूनिकॉर्न से भरी हुई है और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। और ये अगर आप अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हो ना, तो वहाँ पे 4 to 5 years, 3 to 4 years ऐसे साइजेस अवेलेबल होते हैं, तो आप साइज चार्ट में जाके चेकआउट कर। एंड नेक्स्ट है ये येलो कलर का नाइट सूट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हॉपस्कॉच का है। जैसे कि आप देख रहे हैं हॉपस्कॉच जो है वो इंडियन ब्रांड है, मुझे पहले लगता था कि बाहर का है, बट ये एक इंडियन ब्रांड है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये फुल स्लीव्स है, ये गनू को मैंने लिया है और बहुत ही फ्रेश कलर है। जैसे कि यहाँ पे आई लव कोल्ड वेदर्स सो ऐसा कुछ लिखा है एंड पीछे से कुछ प्लेन है। तो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको ऐसे कार्टून्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। एंड नेक्स्ट ये उसकी पैंट है जो कि बहुत ब्यूटीफुल से यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, स्ट्रेचेबल है थोड़ा। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये सोमेश्वरी गणेश्वरी का ये रेड कलर का नाइट सूट्स एंड गणेश्वरी का भी ये पिंक कलर का नाइट सूट जो है वो भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। बड़े प्यारे से नाइट सूट्स है और आप भी अपने बच्चे के लिए लीजिएगा क्योंकि बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, सोमेश्वरी गणेश्वरी बहुत खुश हो गई ये ड्रेस देख के। तो अगर आपको ये सारे ड्रेसेस अगर लेने हैं तो उन सभी की लिंक मैं फिर से कहती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से नाइट सूट्स है। सो गाइज, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आज का, और नितेश ने मुझे जो गिफ्ट दिया था मंगलसूत्र वो भी कैसा लगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कल मैं वो पहनूंगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और बाय बाय गर्ल्स।